जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने गौ आश्रय स्थलों को भूसा दान करने की अपील करते हुए कहा कि शासन के निर्देशानुसार गौ आश्रय स्थलों को विभिन्न माध्यम से संचालन किया जाता है। कहीं ग्राम पंचायत स्थानीय स्तर पर संचालन किया जा रहा है या कहीं पर किसी संस्था के द्वारा गौ आश्रय स्थलों का देखभाल किया जा रहा है, जो कि विभिन्न माध्यमों से संचालन किया जा रहा है। इसमें जन सहभागिता अति आवश्यक है। हमारा सभी जनप्रतिनिधियों, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य से अपील है कि जिले में संचालित अस्थायी व अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों पर संरक्षित गोवंश के भरण पोषण हेतु अधिक से अधिक मात्रा में भूसा दान करने का कष्ट करें। इस सहयोग से आप पुण्य के भागी बनेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, जैसे आप जानते हैं शासन के निर्देशों के क्रम में गो आश्रय स्थलों को विभिन्न माध्यम से संचालन किया जा रहा है। कहीं ग्राम पंचायत और स्थानीय स्तर पर संचालित किया जा रहा है, किसी प्रतिष्ठित आबद्ध लोगों के साथ, संस्थाओं के साथ कार्य किया जा रहा है, कहीं पे नगर निकायों के माध्यम से चलाया जा रहा है। तो विभिन्न माध्यमों से जो संचालन किया जा रहा है, तो इसमें जन सहभागिता और प्रतिभागिता अति आवश्यक है। तो इसीलिए अपील की जा रही है कि इन निराश्रित जानवरों के लिए भूसे की व्यवस्था के लिए लोगों को अपील किया जा रहा है कि जहाँ भी अगर भूसे वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको दान में उपलब्ध कराएं, प्रशासन का सहयोग करें, ताकि इन निराश्रित जानवरों को हम लोग विशेष रूप से ख्याल रखें और उनके लिए व्यवस्था करा सकें।